एक्सक्यूज मी सर। ओह अभी कम इन, टेक योर सीट। थैंक यू सर। सर आपको खबर मिली है ना, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। मुझे पता चल गया है अभी। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है, मैंने बस अपना काम किया है। और ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन लेटर। ओके, आई विल ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड पार्टी ऑन योर फेयरवेल। सॉरी सर, पार्टी वगैरह मुझे पसंद नहीं है। आई विल टेक अ लीव। अभी सिट डाउन। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, एनीथिंग रॉन्ग? ऐसी कोई बात नहीं है सर। मुझे पता है तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, am I right? सर ऐसी बात नहीं है। तुम कौशल्या को बहुत ही पसंद करते हो ना? कौशल्या ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कौशल्या भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। अभी कौशल्या कौन है पता है तुम्हें? मेरी बेटी, आई मीन माई डॉटर। तुम दोनों के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है और मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात कर ली है। वो शादी के लिए तैयार भी हैं। तुम्हारे जैसा लड़का मेरा दामाद होने जा रहा है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। हमने तुम दोनों की शादी फिक्स कर दी है, पता है कहाँ पे? तिरुपति में। तुम्हारे पास एक हफ्ते का टाइम है, घर जाकर के आराम कर लो। ओके सर। और कौशल्या से बात कर लेना, वो थोड़ी टेंशन में है। ठीक है सर। हेलो, हाय कौशल्या। हाय अभी, डैड ने, हाय गुड न्यूज़ है। वॉचमैन। हाँ हाय माँ। अभी आई, रुको। हाय अभी, कैसा है बेटा तू? मैं अच्छा हूं पापा। थक गया होगा, जा आराम कर ले, एक हफ्ते बाद तेरी शादी है। हेलो, अभी आ गया है, शादी का पूरा अरेंजमेंट करना है, मैं बाद में मिलता हूं। आजा बैठ। अभी तुमसे मिले हुए कितने साल हो गए बेटा। सच में माँ, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया था माँ, अब से मैं आपके साथ ही रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, यहीं रहकर कुछ करना बेटा, और हमारा पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। थैंक यू माँ। अच्छा ये बता, कौशल्या तुझे दिखने में कैसी लगती है? बहुत अच्छी, सच कह रहा हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, हम बहुत खुश हैं। तू थक गया होगा, तू थोड़ा आराम कर, मैं तुम्हारे लिए अच्छी कॉफी लेकर आई हूँ। हेलो, हाँ मैं यहीं पास में हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं, तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। चल ठीक है, ओके। अरे रुको। हाय सर। हाय राम, कैसे हो? मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा सपना पूरा हो गया, ऐसा ही बनने का। थैंक यू सर, आप जैसे सिंसियर ऑफिसर ही तो मेरी इंस्पिरेशन है सर। थैंक यू राम, बस एक बात याद रखना, पुलिस का धर्म लोगों पे राज करना नहीं है, उनकी सेवा करनी है। यस सर, यू आर राइट, आई विल फॉलो दैट। तो फिर पार्टी नहीं दोगे क्या? Why not? शादी से लौटते ही पक्का दूंगा सर। ओके, शादी किसकी है? मेरे फ्रेंड अभी की है सर। ओह, अच्छा तुम्हारी यूएस के फ्रेंड की है क्या? वो आ गया क्या? हाँ वो आ गया है सर, उसकी शादी में हम सारे फ्रेंड एक साथ जा रहे हैं, आप बिजी थे इसलिए बताया नहीं। ओके, मैं एक स्पेशल केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, उसी में लगा हूँ मैं। सर आपको भी आना होगा? मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से उसे विश करना। ओके सर। ओके, भूलना मत। हाँ जरूर सर, बाय सर। इसे गाड़ी में बिठाओ। यस सर। चल। हेलो, कहाँ है तू? बाय। हाँ मैं आ रहा हूँ।
ये लो, अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? बाहर बस खड़ी है, घर के सब लोग तैयार हैं, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। अरे सब रेडी हैं तो आप निकलिए ना माँ। I'll come with my friends. That's my plan, माँ। अभी अगर दूल्हा ही हमारे साथ नहीं गया तो हम लोग पहले पहुँच कर क्या करेंगे? अरे माँ, शादी में कितने दिन बाकी है बोलो? सिर्फ 5 दिन बाकी। तो फिर टेंशन क्या है? मैं दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, आप जाइए ना। अभी शादी से पहले दोस्तों के साथ क्या प्लान किया है? देखो ये अच्छी बात नहीं है। बैचलर पार्टी है माँ, शादी के बाद मैं बिजी हो जाऊंगा। दोस्तों से मिले हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, समझा करो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आया। तू मेरा इकलौता बेटा है ना, इसीलिए मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, लेकिन पीने वीने का प्रोग्राम मत बनाना। नहीं माँ, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है मेरा। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम लड़कों को अच्छे से जानती हूँ। लेकिन तू मेरा बहुत अच्छा बेटा है ना, मुझे पता है कि तू ऐसा वैसा नहीं करेगा, लेकिन बेटा अपना ख्याल रखना। थैंक यू माँ। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, वहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं, तेरे आने से पहले सारी तैयारी भी करनी है, संभल कर आना। okay, और मैंने जो कहा उसे याद रखना। राम को फोन करके देखता हूँ। हेलो राम। हाय अभी, कहाँ है तू? मैं गेस्ट हाउस में हूँ यार, तू यहीं पर आ जा, दोनों साथ चलेंगे, ठीक है? हाय राम। हाय अभी, तू रेडी है ना? तेरा ही वेट कर रहा हूँ यार, रुक जा मैं आता हूँ। हाय मैन, तू सच में पुलिस वाला है? सब कुछ खत्म करने के बाद मुझे अरेस्ट करने आया है? इतने सालों के बाद तू मुझसे मिल रहा है, देख क्या रहा है यार, गले लग जा। सॉरी डार्लिंग। इट्स ओके यार। वैसे वो दोनों कहाँ हैं? उन्हें भी बुलाया था ना? उनकी क्या जरूरत है, रास्ते में पीने वीने के लिए बात करेंगे और क्या। ठीक है छोड़, मैं भी चलता हूँ यार। अरे अरे रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? मैंने किसी को बुलाया है, यहाँ से जाते हुए हम उन्हें रास्ते में पिकअप करेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे। ओके ओके, लेट्स गो, कम ऑन। हाँ चल। हाँ राम, ये ले। सडनली जर्नी कैसे प्लान कर ली? एंजॉय करने के लिए यार, शहर में घूम फिर कर मैं बहुत बोर हो गया हूँ, अपने घर वालों के साथ गांव में घूमने की बात ही कुछ और है, इसलिए पूरा प्लान किया है मैंने, गांव में आराम से घूमूंगा। ओके दैट्स नाइस प्लान। आफ्टर लॉन्ग टाइम इतना मजा आ रहा है यार। इस बिल्ली को अभी ही आना था क्या? राम तेरा फोन है यार। किसका है? अननोन नंबर से, बट थोड़ा फैंसी नंबर है यार। ओ अच्छा समझ गया, मेरे सीनियर का नंबर है, बहुत ही साइको ऑफिसर है वो। तो तेरी बात करवाऊंगा क्या उससे? नहीं तू बात करना है। ठीक है ठीक है। हेलो राम, ड्राइव कर रहा है, मैं अभिमन्यु बोल रहा हूँ। फाइन सर, थैंक यू सर। एनी मैसेज फॉर राम सर? ओके सर।